आप सुप्रीम कोर्ट पे ये इल्जाम लगा रहे हैं कि वो सहूलत कर, आपका नाम क्या है? शाहिद कुरैशी साहब, आप ये इल्जाम लगा रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो सहूलत कर नहीं करती रही। अभी आपने कहा करती रही, साथ के वो अभी आपको सहूलत तो दे रही है और क्या करें। अच्छा जी, सर इस वक्त आपकी कयादत जो है इमरान खान से, इंक्लूडिंग इमरान खान साहब को अरेस्ट हो रही है, तो क्या इस वक्त आप आइसोलेशन फील कर रहे हैं कि पूरे पाकिस्तान के अंदर मिलिट्री ने, पूरा पाकिस्तान इस वक्त हमारे साथ है, हम कैसे आइसोलेशन? मिलिट्री ने भी प्रेस रिलीज जारी करके, हुकूमत ने भी प्रेस रिलीज जारी की है, तो आप तनाई फील नहीं कर रहे कि आप अकेले हो गए? ठीक है सर, थैंक यू। और भी एक चीज़ बताएं कि अभी सीएम पंजाब सर ये कहा कि हम ये लोग जो मुलव्वस थे उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। सीएम पंजाब तो है ही इल्लीगल, वो कैसे करेंगे? क्योंकि कल के जो वाकयात सारे हुए वहाँ पे आपने ये क्वेश्चन किया कि उस वक्त सीएम कहाँ थे, उन्होंने रोका क्यों नहीं गया? क्योंकि आपको कोई सीएम तो लंदन था, सीएम है ही नहीं पंजाब में, कोई इमरजेंसी लगी, फैसला किया कि वजीर आजम साहब कल खिताब करेंगे, क्या एक्सपेक्ट करेंगे, क्या कौन है इस शहबाज शरीफ की बात सुनता कौन? बेशक शीशे के सामने खड़े हुए फवाद साहब, 245 के तहत इमरजेंसी जो है वो लगाने की मंजूरी दी गई है, तो 184 तो फारिग हो गया, आम लोगों का क्या कसूर है इसमें? 185 में 184 का फारिग नहीं होगा, कुछ लोग ये कह रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि 184 जो है वो फारिग हो जाएगा, फंड इमरजेंसी जो है वो तो उन्होंने बताई है, फौज नहीं इमरजेंसी अभी डिक्लेयर नहीं है, और 235 में या 233 में इसके अलावा इमरजेंसी में अदालत के राइट्स जो है वो खत्म नहीं हो, इस्लामाबाद समेत पंजाब वैसे तो हेलीकॉप्टर को मान ही कोई नहीं रहा बेचारा, वो जा चुकी है इस्लामाबाद और इस्लामाबाद केपीके और पंजाब में, तो क्या आप इस पे? मेरे ख्याल में फौज को मैंने सुबह भी अपील की है, आर्मी चीफ को भी और आर्मी हाई कमांड को भी, ये फैसले पे नजरसानी करनी चाहिए, कभी भी फौज को और अवाम को एक दूसरे के सामने खड़ा नहीं। लेकिन अभी आपने कहा ना फौज जा चुकी है तो इलेक्शन करवा दें, आप आ गए हैं तो फिर ठीक है, फिर आ गए तो इलेक्शन करवा दें, एक दूसरे के सामने खड़ा ना, तो इलेक्शन में भी वो कह रहे हैं कि कहीं आप पीटीआई वाले रद्द अमल ने दे दे, ये तो पीटीआई के रद्द अमल की वजह से। फान साहब ये बताइएगा कि खान साहब से बुकला की मुलाकात हुई है, कैसी तबीयत है, क्या मोरल है? नहीं अभी तक मेरी बुकला से बात नहीं हुई, अभी होती है। फवाद चौधरी साहब, इमरान खान साहब जेरे हिरासत हैं और जिस तरह हेर से है कि इस दौरान हिरासत फौज की आला क्यादत के साथ इमरान खान साहब की कोई मुलाकात एक्सपेक्टेड है, आप इस किस्म की कोई मुलाकात एक्सपेक्ट कर रहे हैं? मुझे तो पता नहीं है, खान साहब से जाहिर है हमारा कोई रब्ता नहीं है। असद साहब ने भी कहा था कि बैठ के बात करनी चाहिए, 100% बैठ के बात होनी चाहिए, कोई इसमें दो राय। सर आप अगर गिरफ्तार होते हैं तो क्या क्या होना चाहिए? हमें गिरफ्तार कर लेंगे क्या फर्क पड़ जाएगा, सवाल यह है। फिर आप लोगों के हाथ में इस वक्त सारी तहरीक, लोग चला रहे हैं, लोगों ने चला। अगर कोई अहम मुलाकात होती है अहम शख्सियत से तो खान साहब क्या बैकफुट पर आ सकते हैं अपना, उनका जो बयान जो इस तरह से वो नाम ले रहे हैं आम शख्सियत का, बैकफुट पर आ सकते हैं? सवाल यह है शो कर सकते हैं, सवाल यह है कि कम्युनिकेशन होना जरूरी है, फिर देख लेंगे कि क्या बात है। थैंक यू।